हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों AK9 टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूं आशीष क्रिकेटर और आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि वीवो ने अपनी वाई सीरीज की स्मार्टफोन फाइनली लॉन्च कर दी है और इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वीवो Y30 5G स्मार्टफोन जो कि थाईलैंड में पेश कर दिया गया है और उम्मीद है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन इंडिया में भी बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन दोस्तों एक बजट स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है Dimensity 700 का चिपसेट और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशन और अदर फीचर्स के बारे में। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों 1600 की रिफ्रेश रेट वाले 6.51 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है और जिसका रेजोल्यूशन दोस्तों 720x1600 पिक्सल का है। और यहाँ पे दोस्तों सेल्फी के लिए वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 89% का दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा रहेगा, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी दमदार आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे Dimensity 700 का चिपसेट दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा और यहाँ पे दोस्तों 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सटर्नल मेमोरी को बढ़ाने के लिए SD कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगी। और अगर इस फोन की कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें कि दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड में दोस्तों आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फोटोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। और अगर इस फोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, AI फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक और डुअल सिम, वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि फन टच OS 12 स्क्रीन पर रन करता है। और बात करें दोस्तों अगर इस फ़ोन की प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 18,950 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो कि स्टार लाइट ब्लैक और रेनबो कलर में देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको ये स्मार्टफोन कैसी लगी इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।